हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे 31 मार्च के लिए स्टॉक्स कि 31 मार्च के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले पाएँ, और हम देखेंगे कि उनके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक्स है आरती इंडस्ट्रीज। दोस्तों, आप इस स्टॉक्स में देखोगे, आप यहाँ पर देखो, ये स्टॉक्स इस रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड कर रहा था। आप यहां पर देखोगे, पिछली बार यहां पर सपोर्ट की तरह कार्य कर रहा था ये एरिया। यहां पर ये सपोर्ट था, यहां पर सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक्स इस सपोर्ट एरिया के नीचे ट्रेड कर रहा। अब जो सपोर्ट एरिया था वही एरिया अब इस स्टॉक्स के लिए रेजिस्टेंस की तरह कार्य कर रहा था। मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में यहाँ पर बताया था कि स्टॉक्स अगर इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ट्रेड करता है तो हम इस स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले पाएंगे। यहाँ पर ये स्टॉक्स इस कैंडल के ऊपर तो गया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया है। अब आप यहाँ पर देखोगे, कल एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद आज की जो ग्रीन कैंडल है वो इस रेजिस्टेंस एरिया के बाहर क्लोजिंग दिए। तो अब इस स्टॉक्स में आने वाले दिनों में हम अप ट्रेंड में एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। तो आप इस स्टॉक्स में भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके लिए इस कैंडल के नीचे रखना होगा। इस कैंडल का लो है 910, आप यहां पर स्टॉप लॉस रख सकते हो, और आपका जो टारगेट होगा वो इस कैंडल का डबल होगा, या आप यहां तक भी इसका टारगेट रख सकते हो। अगला स्टॉक्स है अंबुजा सीमेंट। दोस्तों, आप इस स्टॉक्स में देखोगे, ये स्टॉक्स आपके लिए एक ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप यहां से देख सकते हो, स्टॉक्स में एक, मैं आपके लिए दिखाऊँ, आप यहां पर देखोगे स्टॉक्स में एक अच्छी गिरावट थी। यहां से आप देख सकते हो, यहां पर इसने ग्रीन कैंडल बनाई। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद स्टॉक्स ऊपर गया, नीचे आने के बाद इसने अब यहां पर ग्रीन कैंडल बनाई है, और इस ग्रीन कैंडल जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है और आज उसने इस ग्रीन कैंडल के हाई को क्रॉस किया है। आप यहाँ से देख सकते हो, आप यहाँ पर देखो, ये स्टॉक्स आपके लिए ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कल इसने इसी ट्रेंड लाइन पर ग्रीन कैंडल बनाई थी, और आज की जो ग्रीन कैंडल है उसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई को क्रॉस किया है। तो आप इस स्टॉक्स में भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेंड लाइन के आप नीचे, यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो, और आपका जो टारगेट होगा वो इस ग्रीन कैंडल का डबल होगा। तो आप टारगेट को आप यहाँ पर आप एंट्री रखोगे, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, और आप इसका 1:2 भी आप यहाँ तक आप इसका टारगेट रख सकते हो। तो आप इस स्टॉक्स में भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले सकते हो। अगला स्टॉक्स है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। दोस्तों, आप इस स्टॉक्स में देखोगे, पिछली वीडियो मैंने आपके लिए बताया था कि इस स्टॉक्स में डबल बॉटम का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर हमारे लिए कंफर्म हो गया है कि इस स्टॉक्स में डबल बॉटम का पैटर्न बन चुका है। स्टॉक्स में आप यहां से देखोगे गिरावट थी, आप यहाँ पर देखोगे स्टॉक्स में एक गिरावट थी, यहाँ पर ये आया, यहाँ के बाद स्टॉक्स ऊपर गया, ऊपर आने के बाद यहाँ पर स्टॉक्स नीचे आया। अब जहाँ से स्टॉक्स पिछली बार यहाँ से ऊपर गया था उसी एरिया में आने के बाद इसने ग्रीन कैंडल बनाई, और आप देख सकते हो उसी के बाहर आज इसने उस प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस किया एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर डबल बॉटम का पैटर्न कन्फर्म हो चुका है। तो आप इस स्टॉक्स में भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले सकते हो। आपका पहला टारगेट यहाँ पर होगा, और अगर स्टॉक्स इसको भी यहाँ पर ब्रेक करता है तो आप फिर इसका टारगेट और ऊपर यहाँ तक रख सकते हो। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो आप इस स्टॉक्स पर भी अपनी नज़र बनाए रखना। कल मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। दोस्तों, अगला स्टॉक्स है डालमिया भारत लिमिटेड। दोस्तों, इस स्टॉक्स में आप देखोगे, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें आपके लिए मैंने बताया था कि ये स्टॉक्स आपके लिए एक ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहीं पर हमारे लिए एक डबल बॉटम का पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखते, मैंने आपके लिए बताया था यहाँ पर डबल बॉटम का पैटर्न था, और आप आज यहाँ से देख सकते हो लगभग हमारे लिए 7% का रिटर्न मिल चुका है। जो वीडियो मैंने बनाई थी उस वीडियो मैंने आपके लिए बताया था कि आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, और यहाँ के बाद आप देख सकते हो कि 2 दिन में हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हो चुका है। तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो आपका यहाँ पर पहला टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है। अब कल स्टॉक्स अगर इसको भी क्रॉस करता है तो फिर हम इसका टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपने इसमें ट्रेड लिया है, और अगर आपने अभी तक इसमें एग्जिट नहीं किया है, तो आप यहाँ तक इसका टारगेट रख सकते हो, और अपने स्टॉप लॉस को आप यहाँ पर ट्रेलिंग कर सकते हो। अगला स्टॉक्स है कोल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, आप इस स्टॉक्स में देखोगे, इस स्टॉक्स में आपके लिए डबल टॉप का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देखोगे स्टॉक्स ऊपर गया, यहाँ से स्टॉक्स नीचे आया, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से स्टॉक्स नीचे आया, नीचे आने के बाद स्टॉक्स ऊपर गया, और जहाँ पर पिछली बार यहाँ से नीचे आया था उसी एरिया में आने के बाद
उसी एरिया में आने के बाद इसने फिर से रेड कैंडल बनाई है, और जो रेड कैंडल है आज की कैंडल उस प्रीवियस रेड कैंडल के लोगों को इसने क्रॉस किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अब स्टॉक्स में यहाँ तक स्टॉक्स आ सकता है, तो आप इसमें शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड ले सकते हो। कल मार्केट ओपन होने के बाद इसमें आपके लिए एक शॉर्ट सेलिंग का अच्छा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक्स आपके लिए यहाँ तक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर मूविंग एवरेज भी है, तो स्टॉक्स यहाँ पर आने के बाद फिर इसमें अपट्रेंड के लिए कोई मोमेंटम दिखाई दे सकता है, तो आप यहाँ पर भी एक शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड ले सकते हो। अगला स्टॉक्स है सिटी यूनियन बैंक। दोस्तों सिटी यूनियन बैंक में आप देखोगे ये स्टॉक एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर स्टॉक्स आने के बाद यहाँ से रेगुलर डाउन ट्रेंड में था। स्टॉक नीचे आने के बाद ऊपर आता है, आप यहाँ पर देखो ऊपर आया, यहाँ पर इसने डबल टॉप का पैटर्न बनाया, आप यहाँ से देख सकते हो डबल टॉप का पैटर्न बनाया, स्टॉक्स नीचे आया। दोस्तों नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखोगे जो ये सपोर्ट एरिया था अभी रेजिस्टेंस की तरह कार्य कर रहा है, यहीं पर 44 मूविंग एवरेज भी है और यहीं पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, और उसी रेजिस्टेंस एरिया में इसने रेड कैंडल बनाई है। अगर कल मार्केट ओपन होने के बाद ये जो रेड कैंडल है मार्केट ये स्टॉक्स इस रेड कैंडल के लो को क्रॉस करता है, लो है 125.7, अगर इसको क्रॉस करता है डाउन साइड में, तो आप इसमें भी एक शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर आपके लिए एक शॉर्ट सेलिंग का अच्छा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक्स एक रेगुलर डाउन ट्रेंड में है, 44 मूविंग एवरेज रिजेक्शन मिला है, तो स्टॉक्स और नीचे आ सकता है, तो आप इस स्टॉक्स पर भी अपनी नज़र बनाए रखना। अगला स्टॉक्स है हीरो मोटर कॉर्प। दोस्तों आपके लिए इस स्टॉक्स में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप नीचे आया स्टॉक्स ऊपर गया, और नीचे आने के बाद उसी सपोर्ट एरिया में आने के बाद आज इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, मार्केट ऊपर ही ओपन हुआ है। आप यहां पर देख सकते हो कि हमारे लिए डबल बॉटम का पैटर्न यहां पर कन्फर्म हो चुका है, स्टॉक्स नीचे आया, आप यहां पर देखोगे स्टॉक्स ऊपर गया, ऊपर आने के बाद नीचे आया, और यहां पर आज इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, तो यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है कि इस स्टॉक्स में डबल बॉटम का पैटर्न बन चुका है, क्योंकि जब स्टॉक्स में डबल बॉटम का पैटर्न बनता है तो वहाँ से स्टॉक्स ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होती है, तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर होगा, और अगर स्टॉक्स इसको भी क्रॉस करता है तो आपका अगला टारगेट यहाँ तक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा। अगर आप लोग इस स्टॉक्स में पोजिशन को लंबी होल्ड कर सकते हो तो आप इसके लिए यहाँ पर भी टारगेट रख सकते हो, अन्यथा आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें आप कल मार्केट ओपन होने के बाद इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले सकते हो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रेगुलर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।